चुके हैं, ये हमारे शुरकुरमा और ये है गुलगुले भजी और मिर्ची भजी। चलो तो स्टार्ट करते व्लॉग। सो अभी आज है 2nd मई और मैंने मेहंदी निकाल ली है, मैंने लेफ्ट हैंड पे निकाला है, राइट हैंड पे मेरी बहन भी निकालेगी मेरे को। तो फिर आज का व्लॉग मैं रात से स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज भी बहुत सारे काम बाकी है, कल ईद है तो वो भी मैं कल व्लॉग शूट करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी डेफिनेटली। और कल मेरा एक व्लॉग जाएगा, मतलब 3 मई को मैं एक व्लॉग शेयर कर रही हूँ जो मैंने कल जो शूट किया था वो। आई होप वो व्लॉग आपको अच्छा लगेगा, ये मेरा 2nd व्लॉग होगा तो प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को प्यार देते रहना। और अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो भी मैं अभी काम करने वाली हूँ, मुझे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना है घी में तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए लेट्स सी कि कितना टाइम होता है, मैं आपके साथ टाइम भी शेयर करूँगी। अभी बज रहा है 9, रात के 9 बज चुके हैं और लेट्स सी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। यहाँ पे है ये काजू, पिस्ता एंड बादाम, इस सारे हमें भून के लेना है घी में। तो चलिए ये पहले फटाफट मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ इसको कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी घी हमने निकाला हुआ है और ये है कढ़ाई गरम। अच्छे से हमें इनको फ्राई कर लेना है घी में जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन कलर में ये शिफ्ट नहीं हो जाता तब तक हमें इसको फ्राई करना है। ऐसे ही हम सारा काजू, बादाम, पिस्ता और चारों ये फ्राई करके लेंगे। तो यहाँ पे हमारे शिरकुरमे का मसाला रेडी हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज़ ये बहुत स्लो प्रोसेस में करना होता है हमें ताकि ये मसाला जले ना। मेरी ऑलरेडी मेहंदी हो चुकी है, राइट हैंड पे मैंने बैक हैंड साइड पे निकाल लिया है और जितना सूख गया था मैंने सब निकाल दिया है इसको, और फ्रंट में बाकी फ्रंट की पूरी मेहंदी मैंने निकाल दी है। अभी देखते हैं ये कब तक इसको रंग जमता है, तब तक हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो चलिए आपको फटाफट मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ट्राई करना है अभी इसको अच्छे से, गोल्डन ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो चुका है तो अभी और थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए हम अच्छे से और इसको फ्राई करेंगे। ओ चलो यहाँ पे हमारा ये मसाला अभी रेडी हो गया है, अभी आती है 2nd बैच की। कढ़ाई अच्छा धोई थी, गरम करो और डालना गुड गुड। अभी मैं यहाँ पे पिस्ता भरूंगी, एक बस पिस्ता थोड़ा ही है तो इसीलिए हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून घी मैंने यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट को हम घी डाल के अच्छे से रोस्ट करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कितना अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गया है। अभी हम लेंगे बादाम को, अभी इसको मैं शिफ्ट कर देती हूँ कंटेनर में। हमारा बादाम को हम अच्छे से रोस्ट करेंगे सेम जैसे हमने काजू को किया था। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून घी, अगेन लेंगे 1 टेबल स्पून। ठीक है, इसको भी हम सेम गोल्डन फ्राई करेंगे। अभी हमारा मसाला हो गया, काजू हो गया, पिस्ता हो गया, अभी ये है बादाम को भी हम अच्छे से
गोल्डन फ्राई करेंगे। मॉर्निंग में हम ये चरोड़े करेंगे। देखो चरोड़े अभी ज़्यादा सूखे नहीं है, उसको हमने पैन ड्राई होने के लिए रख दिया है। वो अच्छे ड्राई होने के बाद सुबह हम उसको फ्राई करेंगे, सेम एज जैसे हमने काजू पिस्ता और बादाम कर रहे हैं वैसे ही सेम हम चरोड़े को भी रोस्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और ईद मुबारक सभी के लिए। रात में मैंने कुछ शूट नहीं किया था, सुबह मैंने अभी शूट करना स्टार्ट किया। जस्ट मैं नहा चुकी हूँ, अभी मुझे नमाज़ पढ़नी है, तो नमाज़ पढ़ के मैं आप सबसे मिलती हूँ। और ये रही मेरी मेहंदी का रंग, राइट हैंड पर मैंने बैक साइड में ही निकाला है, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये बैक साइड की मेहंदी, इतना ज़्यादा रंग ही आया है और फ्रंट पर मैं कुछ निकाला ही नहीं था। तो चलिए मैं आपको नमाज़ पढ़ के मिलती हूँ। यहाँ पे हमारे मिर्ची भजे, गुलगुले और भजिया बन रहा है। यहाँ पे हमारा ईद सेलिब्रेशन अभी स्टार्ट हो चुका है। अभी जैसे हमारी मिर्ची भजे गुलगुले रेडी हो जाएंगे तो हम जाएंगे कॉलोनी में शुरकुरमा देने के लिए। शुरकुरमा भी रेडी हो चुका है, मैं आपको एक लुक दिखा देती हूँ। ये है हमारा शुरकुरमा। ये जो लुक आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। और ये मेरी मेहंदी, ऐसे प्लेट्स बना के हम कॉलोनी में सबको सर्व करते हैं। फाइनली सब कॉलोनी में हमने दे दिया है ऑलरेडी शुरकुरमा, भजी, गुलगुले वगैरह। पर अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, अभी थोड़ा सा मैं फ़ोटोशूट करूँगी। ऑलरेडी मैं थोड़ा और टचअप मैंने कर लिया है, पैन लगा देते हैं थोड़ा सा। बहुत खतरनाक गर्मी है यहाँ पर। सो ये मैंने बैंगल्स दिए, ये वेलवेट के बैंगल्स हैं। कॉन्ट्रास्ट मैंने ज्वेलरी पहना है ग्रीन कलर का, ठीक है। और अभी आई मेकअप मैं दिखा देती हूँ आपको, दिखेगा नहीं पता नहीं। बहुत ही सिंपल सोबर मेकअप मैंने किया है यहाँ पे। मेकअप कैसा लगा प्लीज़ मुझे बता देना। मैंने बहुत ही सिंपल सोबर मेकअप किया है बिकॉज इतनी गंदी यहाँ पे धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे कि आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। मैंने दूसरी बार टचअप किया है बिकॉज इतना स्वेटिंग हो रहा है। फिर भी मैंने सेकेंड टाइम थोड़ा सा टचअप कर लिया है, बट फिर भी मेरा मेकअप इधर से उधर नहीं हुआ है। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल देखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके लिए और एक बार ये शूट कर लूँगी बिकॉज मैंने शूट नहीं किया है ये। तो आई होप ये मेकअप ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा मेरा, मतलब मैंने जो मेकअप क्रिएट किया है सिंपल, ये आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे को बता देना, मैं नेक्स्ट टाइम पक्का आपके साथ शेयर करूँगी। हालिमा इधर आ, हालिमा आ। मैं बहुत थक चुकी है, अभी तक मैंने शुरकुरमा पिया नहीं है, तो चलो हम पहले खा लेते हैं, शुरकुरमा पी लेते हैं। भजी गुलगुले मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ, तो चलिए पहले खा लेते हैं फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे शुरकुरमा खाते हैं। हमारा शुरकुरमा रेडी हो चुका है, अभी हम खाने के लिए बैठ चुके हैं। ये हमारे शुरकुरमा और ये है गुलगुले, भजी और मिर्ची भजी। चलो तो स्टार्ट करते चुके हैं। और 2 बजे हम शुरकुरमा खा रहे हैं, अभी तक बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है हमें। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं सो के उठी हूँ बिकॉज 2 बजे के बाद मैंने कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया। 2 बजे के बाद मैंने शुरकुरमा और भजिया जो खाया हम सो गए। सोने के बाद मैं जस्ट उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ, अभी मैं चाय पीऊँगी बिकॉज मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो चाय के साथ मैं पूरनपुली खाऊँगी। ये कॉम्बिनेशन किसको भी पसंद है तो मुझे ज़रूर बताए, बिकॉज चाय के साथ पूरनपुली बहुत अमेजिंग लगती है। डेफिनेटली मेरे साथ शेयर करना अगर किसी को भी पसंद है तो, बिकॉज आज अक्षय तृतीया भी है और ईद भी है, तो दोनों फेस्टिवल साथ में आए हैं। तो जिसको भी हमने शुरकुरमा दिया था हमारे नेबर्स को, उन्होंने हमें पूरनपोली रिटर्न में दिया है, तो वही पूरनपोली मैं भी खाऊंगी बिकॉज मुझे बहुत पसंद है पूरनपोली और चाय पीना। तो मैं चाय पी के पूरनपोली खा के आपसे मिलती हूँ। बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं,
बहुत ही ज़्यादा काम हो गया है सुबह से। आप मेरे फेस से जज कर सकते हो कि मैं कितनी थक गई हूँ। अभी भी मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज सुबह से खाना ही नहीं हो पाया ठीक से, और शुरकुरमा और पानी बहुत ज़्यादा पिया जा रहा है, तो इसीलिए आई थिंक सर दर्द कर रहा होगा। बट पता नहीं, आज मेरे बहुत ही ज़्यादा मैं टायर्ड हूँ। और ये है मेरा फाइनल मेहंदी का लुक, आप देख सकते हो कितना अच्छा सा रंग आया है इसको। तो मैं ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और आप सभी को और एक बार ईद मुबारक। आई होप आप सबकी ईद बहुत अच्छे से गई होगी। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा पहला वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय वंस अगेन, ईद मुबारक, लव यू ऑल।